एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग के क्या क्या कॉजेज है। तो सबसे पहले हम फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिक्स ने दिया है एक टर्म पाल्म कॉइन। पाल्म कॉइन जो है उसका एब्रीविएशन क्या है, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। पाल्म, पाल्म में पी जो आता है वो है पॉलिप्स। पॉलिप्स जो है म्यूकोसल ग्लैंड, म्यूकोसल लेयर का जो है ट्यूमर है, जो कि इंडोमेट्रियम में हो सकता है, सर्विक्स में हो सकता है, इस वजह से एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग हो सकती है। एडिनोमायोसिस, एडिनोमायोसिस में क्या होता है कि जो है इंडोमेट्रियल का लेयर जो है वो चला जाता है यूट्रस के एब्डोमेन, यूट्रस के वाल पे, तो वहां पे ब्लीडिंग होती है, तो इस वजह से जो है फिर वो भी एबनॉर्मल हो गया। इसके बाद लियोमायोमा क्या है, ये फाइब्रॉइड है। फाइब्रॉइड जो है यूट्रस के फाइब्रॉइड होते हैं अलग अलग टाइप के, तो कोई भी टाइप का फाइब्रॉइड हो इसमें एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होगा। इसके बाद एम जो होता है वो है मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी में क्या होता है कि अपना इंडोमेट्रियम कैंसर जो है, इंडोमेट्रियल कैंसर सीए इंडोमेट्रियम, वो जो है उसमें मैलिग्नेंसी जब होती है तो वो मोस्ट कॉमन रूट ऑफ मैलिग्नाइजेशन होता है अपना लिम्फ से मोस्ट कॉमन मैलिग्नाइजेशन होता है, जो कि लंग पे जाता है सबसे पहले। लंग मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मैलिग्नाइजेशन होता है, तो वहां पे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग का फेज आता है तो उस टाइम जब इंडोमेट्रियम से ब्लीडिंग होती है तो लंग में भी ब्लीडिंग होती है, तो ये एक एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग की कॉज हो गई। इसके बाद सी से आता है कोगुलोपैथी। कोगुलोपैथी मतलब कोगुलेशन डिफेक्ट, उसमें जो है ब्लड कोगुलेट नहीं हो रहा है, तो कोगुलेट नहीं हो रहा है इस वजह से जो है ब्लीडिंग, मतलब ब्लड ऐसे भी फिब्रिनोलाइसिन की वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लड कोगुलेट नहीं होता है, लेकिन उसके जो ब्लड वेसल्स हैं जो इंडोमेट्रियम में है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर काम करते हैं, उसमें क्लॉट्स बनते हैं तभी ब्लीडिंग रुकती है। इसके बाद ओवल्यूटरी डिसफंक्शन में क्या आता है, ओ से जो टर्म है ओवल्यूटरी डिसफंक्शन, इसमें कोई फीमेल है वो एन ओवल्यूटरी है, साइकिल चल रही है उसकी, तो उसमें भी ब्लीडिंग के जो है वो होंगे, दिक्कत होंगे, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होगी। इसके बाद जो है आइट्रोजेनी, कोई भी सर्जरी वगैरह के बाद जो है दिक्कत हो सकती है ऐसी, और कुछ चीजें हैं जो कि क्लासिफाई नहीं की गई है अभी भी। इसके बाद कुछ और रीजंस हैं जो जाने जाते हैं, जैसे कि इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस क्या होता है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है, जो कि सीए इंडोमेट्रियम भी कराता है, कैंसरस इंडोमेट्रियम, तो वो भी इसमें आ सकता है, आ गया। इसके बाद इक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे ज्यादा जो है कॉमन क्या होता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी में, कि इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई होती है अपने फेलोपियन ट्यूब में। क्या होता है जब फॉर्मेशन होती है वहां आता है इम्ब्रियो और वो फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है, तो वहां पे ब्लड सप्लाई उसको प्रॉपर नहीं मिल पाती है, जिस वजह से वो डिजेनरेट होता है। वो डिजेनरेट होता है तो वो फिर जो है अपना वो मेंटेन नहीं कर पाएगा कॉर्पस लूटियम को, तो इस वजह से वो फिर जो है वहां पे ब्लीडिंग हो जाएगी, लेकिन लेट होगी, क्योंकि एक तो वहां पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है, इस वजह से पहले ब्लीडिंग लेट हुई, लेकिन बाद में वो एम्ब्रियो डिजेनरेट हो गया तो ब्लीडिंग हो गई। इसके बाद कुछ ड्रग्स हैं जो एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग कॉज करते हैं। इसके बाद डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग क्या होता है, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग वो होती है जो कि मोस्ट कॉमन होता है, जिसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं होता है, इसमें भी यूजुअली एन ओवुलेटरी साइकिल होती है, मोस्ट कॉमन होता है प्यूबर्टी के टाइम या फिर पेरी मेनोपॉजल वुमेन जो कि मेनोपॉज की तरफ जा रही है उनमें ज्यादा होता है। इसके बाद जो है हम देखते हैं इनका ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट जो है नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट है, हार्मोनल ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है। नॉन हार्मोनल में फर्स्ट लाइन ड्रग आता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, ये क्या करता है प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन एक वैसोडायलेटर है, तो वैसोडायलेटर को इनहिबिट करेगा तो वेसल्स जो है कॉन्स्ट्रिक्ट होगी वेसल, तो ब्लीडिंग कम होगा, पेन भी कम होगा। अब जो है इसमें आते हैं ट्राइक्सिनेमिक एसिड, मिफेनेमिक एसिड, मोस्टली ये जो है डिसमेनोरिया में दिया जाता है, डिसमेनोरिया मतलब जो है पेनफुल ब्लीडिंग, तो ये पेन को कम कर रहा है, पेनफुल ब्लीडिंग में दिया जाता है। इसके बाद ट्राइक्सिनेमिक एसिड ब्लीडिंग को कम कैसे करता है, ट्राइक्सिनेमिक एसिड क्या करता है, फाइब्रिनोलाइसिन जो फॉर्म होता है, फाइब्रिनोलाइसिन फॉर्म होता है प्लाज्मिनोजेन से प्लाज्मिन का कन्वर्सन होता है, तो इसी को रोकता है, प्लाज्मिनोजेन से प्लाज्मिन के कन्वर्सन को रोकता है, और प्लाज्मिन फाइब्रिनोलाइसिन बनाती है, तो फाइनली फाइब्रिनोलाइसिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये है ट्राइक्सिनेमिक एसिड के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हार्मोनल मैनेजमेंट में क्या आता है, फर्स्ट लाइन ड्रग जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है,
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूजुअली इरेगुलर साइकिल्स में दिया जाता है। मैंने बताया था कि इरेगुलर साइकिल्स में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देने से क्या होता है कि फुल जो है कंट्रोल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले लेती है पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो इस्ट्रोजन जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या क्या है, इस्ट्रोजेंस है, प्रोजेस्ट्रॉन्स है। तो इस्ट्रोजन हमने दिया वो प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम कराया, प्रोजेस्ट्रॉन दिया वो स्टेबलाइजेशन एंड सिक्रीशन कराया। अब जो है वो यूजुअली 21-22 दिन का स्ट्रिप होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का। तो जैसे ही फिर हमने उसका विड्रॉल किया, इस्ट्रोजन विड्रॉल, पहले इस्ट्रोजन विड्रॉल होता है फॉलोड बाय प्रोजेस्ट्रॉन विड्रॉल होता है। वो उस स्ट्रिप में कलरफुल टेबलेट्स आते हैं अलग अलग कलर के, तो उस तरीके से देखा जाता है। तो वो जैसे ही विड्रॉ हुआ दोनों चीज का, दोनों का अलग अलग ड्यूरेशन है, पहले एस्ट्रोजन विड्रॉल फिर प्रोजेस्ट्रॉन विड्रॉल, तो दोनों विड्रॉ हुआ और मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब ब्लीडिंग हो गई। इसके बाद जो है एंड्रोजेंस देते हैं। एंड्रोजेंस क्या कराता है, एंड्रोजेंस फीमेल में होते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में होते हैं। तो एंड्रोजेंस एक्स्ट्रा दिया वो एंडोमेट्रियम का एट्रोफी करा दिया। फिर जीएनआरएच एनालोगस देते हैं, ये क्या कराता है, ये पिट्यूटरी को, ये हाइपोथैलेमस को देता है फीडबैक कि जीएनआरएच बॉडी में पहले से, तो हाइपोथैलेमस अपना जीएनआरएच बनाता नहीं है, तो वहां से जो इन्फॉर्मेशन नहीं आता है तो आगे ये नहीं होती है अपनी फॉलिकल नहीं बनते हैं, या फिर जो है फिर कॉर्पस लुटियम का वो नहीं होता है, रप्चर नहीं होता है ऑफ फॉलिकल। इसके बाद इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज भी यूज होते हैं। इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज यूज मेनली क्या है, वो भी एक तरीके का जो है हार्मोन्स है, उसमें भी हार्मोन्स रहते हैं, तो वो जो है इंडोमेट्रियम और इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो है वो यूजुअली कैसे रोकते हैं वो प्रेगनेंसी को। तो वो जो है इरिटेशन होता है जब यूट्रस जो है वो किसी भी फॉरेन चीज को जो है एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इस वजह से वो जैसे ही इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हम इंसर्ट किए हैं तब से यूट्रस बार बार चाहता है कि उसको निकाले डिवाइस को, तो इस वजह से वो बार बार कॉन्ट्रेक्शन करते रहता है, तो वो इम्प्लांटेशन नहीं होने देता, तो इस तरीके से वो प्रेगनेंसी रोकता है। लेकिन उसमें जो है अब आने लगा है साथ में इंट्रा यूटराइन डिवाइस, पहले सिर्फ कॉपर टी आता था कॉपर के लिए, अब उसके साथ बहुत सारे हार्मोन्स अलग अलग ड्रग्स डाल के दिए जाते हैं, तो वो ड्रग्स क्या करता है, वो ड्रग्स भी काम करता है हार्मोन के जैसे, और वो जो है ऐसे जैसे इसमें हार्मोन्स ने काम किया वैसे वो यहाँ पे काम करता है। इसके बाद सर्जिकल में क्या आता है, तो डायलेशन एंड क्यूरेटाज, डायलेशन एंड क्यूरेटाज में वही होता है, मैंने बताया था कि जब जो है किसी फीमेल का जो है वो हो रहा है, बस इस्ट्रोजन है प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, तो प्रोलिफरेशन हो रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें जो है हम करते हैं क्यूरिटाज, क्यूरिटाज करने से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है और वो जो है करा देता है ब्लीडिंग, तो डायलेशन हो गया, डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड क्यूरिटाज। इसके बाद यूटेराइन आर्टरी इम्बोलाइजेशन, यूट्रस के आर्टरी में इम्बोली का फॉर्मेशन करा देते हैं, इस वजह से जो है ब्लीडिंग ही नहीं होती है। इसके बाद थर्मल एब्लेशन ऑफ यूट्रस लाइनिंग, थर्मल एब्लेशन में क्या करते हैं कि एक गर्म पानी का बलून सा बनाते हैं और वो यूट्रस में इंसर्ट करते हैं, तो उस वजह से यूट्रस का लाइनिंग जो है वो डिस्ट्रॉय होता है और जो है ब्लीडिंग नहीं होती है। इसके बाद हिस्टेरेक्टोमी जो है वो सबसे सर्जिकल प्रोसेस में बहुत कॉमन है, हिस्टेरेक्टोमी बहुत गायनेक के सबसे मेन सर्जरी में आती है जिसमें यूट्रस को ही पूरा रिमूव कर दिया जाता है। तो ये सारी थी अपनी अबनॉर्मल यूटराइन ब्लीडिंग की कॉजेज एंड ट्रीटमेंट।